जैसे ही पता चला कि हमारा टिकट हो गया कंफर्म, तो अब हम लोग जो है निकलने की कर रहे हैं तैयारी। हम जो देख रहे हैं अपना कपड़ा सारा इसमें आ चुका है। वाह, तो पहुंच गए जी मार्केट। तो जी आ गई है सबसे पहले चूड़ी की दुकान। जो नई दुल्हन है उसके लिए जिया को कुछ शॉपिंग करनी थी और अपने लिए भी कुछ। नैन्सी दीदी को जो है यहाँ का चायपत्ती बहुत अच्छा लगता है, तो स्पेशली जो है यहाँ से चायपत्ती लेकर के जाती है साथ में। और दीदी के लिए भी लेंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं दिल्ली जाने की, और दिल्ली जाने को लेकर के जो है थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो गया है कि हम लोग दिल्ली जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। हम लोगों ने जो है टिकट बुक कर लिया राजधानी एक्सप्रेस में, और बुक किया था जब उसमें RAC दिखा रहा था 23/30 करके। तो पता नहीं कन्फर्म होगा कि नहीं, हमने तो एक तुक्का खेल दिया है। उससे पहले हमारा टिकट बुक हुआ पड़ा था 4 तारीख को, अरुणाचल एक्सप्रेस था ट्रेन, लेकिन हमने जो है टिकट कैंसिल करवा दिया था क्योंकि क्रियांश की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि हम लोग जो है सोचे कि अब जो है नहीं जा पाएंगे वहाँ पर। लेकिन भगवान की दया से जो है क्रियांश की तबीयत अब थोड़ी सही हो गई है, तो अब जो है हम लोग कर रहे हैं जाने का प्लान। और फिलहाल जिया जो अपना मोबाइल लेकर के यहाँ बैठी हुई है, जिया सोच रही है कि अब वहाँ मिनी ब्लॉग डाला करेगी। तो मिनी ब्लॉग को लेकर के हमारा पहला एक्सपीरियंस है, पता नहीं एक मिनट में कैसी अपनी पूरी सारी कहानी बताएंगे। हम बहुत एक्साइटेड हम भी है, और थोड़ा सा यह भी है कि पता नहीं कैसा बनेगा नहीं बनेगा, बाकी जैसा बनेगा आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन हमको लगता है कि हम 3-4 अगर कर लेंगे ना, फिर अच्छे से हमको समझ आ जाएगा कि हमको कैसे करना। बिल्कुल जी, बस शुरुआत होने की देर है। टाइम से सोच रहे थे कि शुरुआत हो, हम इनको बोल भी रहे थे कि आप कैसे भी मुझसे करवाइए, अगर आप 2-3 बार डांट के मुझसे करवा लीजिएगा 2-3 ब्लॉग बन जाएगा, फिर हम पक्का कर लेंगे। और कोई भी चीज देखते हैं तभी तक मुश्किल रहता है जब तक उसको कर नहीं लिए होते, जैसे ही कर लेते लगता है यार ये क्या मुश्किल था। तो देखते हैं इसमें भी सेम ऐसा होता है कि नहीं। तो यह है जी हमारा करंट स्टेटस, अभी दिखा रहा है कि RAC 21/22, और एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं फिर क्या स्टेटस है। चार्ट तो ऐसे अभी तक बना हुआ है नहीं, चार्ट अभी भी नहीं बना हुआ है, और हमारा स्टेटस जो अभी तक वही बना हुआ है। तो जी बस फिंगर क्रॉस किए हुए और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का जो है टिकट कंफर्म हो जाए और दोनों को जो है सीट मिल जाए, और कम से कम दोनों को RAC अगर मिल जाए, लोअर बर्थ दोनों को मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि लोअर बर्थ में जो है दोनों आराम से बैठ भी सकते हैं, साथ में क्रियांश भी आराम से खेलेगा। वैसे उसको नीचे का विंडो मिल जाएगा और विंडो के पास रहेगा तो बाहर का नजारा भी उसको आएगा, तो उसको भी अच्छा लगेगा। बात कर रहे थे पहले मिनी ब्लॉग की, तो जिया का जो है पहला मिनी ब्लॉग जो है पोस्ट हो चुका है, उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर देखिएगा। और जो भी हमारे मिनी ब्लॉग पे कमेंट करते हैं मैं सबके कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ, तो अभी जैसा कि मैं सबके कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ देख सकते हैं। जी क्रियांश अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सोया हुआ था और यहाँ से चला गया है ऊपर। तो फाइनली हमारा सीट हो गया जी कंफर्म, तो देख सकते हैं हम लोग अपना बर्थ अलॉट हो गया है, तो अच्छी खबर। जैसे ही पता चला कि हमारा टिकट हो गया है कंफर्म, तो अब हम लोग जो है निकलने की कर रहे हैं तैयारी। और निकलने की क्या तैयारी कर रहे हैं, बस हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट। और मार्केट जा करके कुछ सामान सब लेना है, और खास करके जो है बवा का जो बोतल ले लेना है मिल्टन, जिसमें की गर्म दूध रहेगा या नहीं तो गर्म पानी कुछ भी। और गर्म पानी के लिए तो 2 kg वाला है, दूध के लिए बस 1 kg वाला चाहिए जिसमें की बवा का सिर्फ दूध रहे, पानी दूध चीनी मिलाने से ना। केजी नहीं लीटर, सॉरी केजी। कोई बात नहीं, तो अब यहाँ से जी चलते हैं, ये ले लो। और उसके बाद जो है मजा आ गया, हम लोग कितने देर से थे इस अधर में लटके हुए कि कंफर्म होगा कि नहीं होगा। इतना बढ़िया कहाँ 6,000 में की 4,000 में टिकट हो रहा था, टिकट हो रहा था हम लोग का 6,000 में तत्काल में, नहीं इससे पहले जो हम लोगों ने कटाया फिर कैंसिल किया, फिर उस टाइम 4,800 में हो गया था टिकट, यहाँ 12,000 में टिकट, यहाँ 12,000 में टिकट मिला। तो हम लोग टिकट काटे हैं डिब्रूगढ़ से, मतलब समझ जाओ यहाँ से जितना दिल्ली होगा उतना ही डिब्रूगढ़ से कटिहार होगा। अच्छा तो फर्स्ट डे से चले जाते हैं और कम पैसा भी लगता है, कोई बात नहीं देखते हैं लौटते समय अगर मिल जाए तो बड़ा बढ़िया। पैसा नहीं खर्च करना, बताए जितना पैसा भी लगा उतने में चले जाते हैं। फर्स्ट एसी तो हमको 4,800 में मिल जाता, तब कहां 4,800 4,800 एक आदमी, 9,600 लगता टोटल दो आदमी का, फिर भी 12,000 लगा उसे तो ज्यादा ही हुआ ना सेकंड एसी में। हां वो तो बात है, ऐसा झोला नहीं लेके फट लिए जाता। कोई बात बस थोड़ी देर का काम। तो हम लोग ये मार्केट निकल रहे थे, मार्केट निकलने से पहले एक मोमोज की रेडी पर रुके हैं, और यहाँ पर जो है पहले मोमोज खा लेते हैं उसके बाद शॉपिंग करेंगे। पहुंच गए जी मार्केट, तो जिया आ गई है सबसे पहले चूड़ी की दुकान। जो नई दुल्हन है उसके लिए जिया को कुछ शॉपिंग करनी थी और अपने लिए भी कुछ, तो जिया ले रही है। अपने लिए कुछ नहीं करनी।
One eternity later. तो अच्छा खासा देर इंतजार करने के बाद जो है जिया ने फाइनली जो है अपना फाइनल कर लिया सामान कि उसको कौन सा चूड़ी लेना था, तो चूड़ी ले ली, बिंदी ले ली और जो भी चीज था इसका सामान अपना सब कुछ ले ली। चूड़ी बिंदी लिए हैं और रबर लिए बस। चलो कोई बात नहीं, तो मतलब कर ये सस्ते में निपटा दिए हमको। हम हमेशा आपको सस्ते में निपटा दें, अपने लिए कभी स्पेशली हम आए हैं दुकान। बिल्कुल आई है, बहुत बार आई है। तो अब चलते हैं जी यहाँ से सीधा चाय पत्ती की दुकान और वहाँ पर चाय पत्ती लेते हैं। नैन्सी दीदी को यहाँ का चाय पत्ती जो है काफी अच्छा लगता है। जी अब हम लोग को जाना है चाय पत्ती की दुकान। इसमें जो है एक सब्सक्राइबर मिल गई थी तो उनसे बातचीत करने में व्यस्त हो गए थे। तो हाँ जी आपको बता रहा था कि नैन्सी दीदी को जो है यहाँ का चाय पत्ती बहुत अच्छा लगता है, तो स्पेशली जो है यहाँ से चाय पत्ती लेकर के जाती है साथ में। लेंगे और दीदी के लिए भी लेंगे। अच्छा दीदी को भी अच्छा लगता है, तो चलते हैं जी सीधा और वहाँ पर जा करके लेते हैं। जिया को अचानक से कुछ याद आ गया कि कुछ और सामान लेना था, तो पहले ये ले लेते हैं फिर चलते हैं चाय पत्ती की दुकान। तो हम लोग पहुँच गए जी चाय पत्ती की दुकान, तो जिया यहाँ पर ले रही है। चाय पत्ती तो लेना हो गया जी, अब इसके बाद चल रहे हैं कपड़े की दुकान जहाँ से कुछ दिनों पहले हम लोग क्रियांश का कपड़ा लिए थे और अब जा रहे हैं यहाँ से गतिक का कपड़ा लेने। गतिक के लिए ठंड के हिसाब से क्रियांश के लिए वो भी लेना है शादी के लिए। ठीक हाँ। है देख लेते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। हमको तो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्रियांश के लिए जूता दिखा जा रहा है जी, इसमें कलर हम लोग देख रहे हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। सारा जूता उसका छोटा हो गया है। तो ये कलर भी अच्छा है, ये भी अच्छा लग रहा है। ब्लैक है, किसी पे भी आ जाएगा। ड्रेस देख लो कौन सा ले। हाँ ड्रेस देख लेते, दोनों को छांट के रखिए और हमको दिखा दीजिए पार्टी वेयर भी यही कलर में क्या। क्रियांश के लिए जी हम लोग पार्टी वेयर भी देख रहे हैं, तो देखते हैं इसमें कैसा मिल जाएगा। बड़ा हो जाएगा बहुत। फाइनली जी बहुत मशक्कत के बाद जो है कुछ कपड़ा जो है पसंद आ गया है और अच्छा खासा स्टॉक हो चुका है हम लोगों के पास। गतिक और क्रियांश का चाय पत्ती सब ली। अच्छा हमको लगा छोड़ दिया। गतिक और क्रियांश का है ना, तो गतिक और क्रियांश की शॉपिंग हो गई है। लगता है जो दुल्हन है उससे ज्यादा इन्हीं दोनों का हुआ है शॉपिंग। क्योंकि इन लोगों की पहली ठंड है ना, तो कितना भी लोग कम ही पड़ जाता है। और इन लोग का कपड़ा जो होता है बस लेंगे, पता नहीं कितना महीना पहनेगा कितना दिन पहनेगा कितना बार पहनेगा ये बात। बस वही बात है, लेकिन कोई बात नहीं जी, बच्चे हैं लेना तो होगा ही, पार्टी है, ऊपर से पार्टी में बच्चा थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए है ना। चलते हैं। देखिए उसमें भी है खोलने वाला, एक लीटर वाला है। ठीक है तो हमने यहाँ पे लिया है बाबू के लिए एक बॉटल, 2 kg वाला तो है हमारे पास, लेकिन ये बॉटल लिया है बाबू के दूध के लिए, उसमें तो पानी ले जाएंगे। भैया बोल रहे हैं हम लोग म्यूजिक पैड है। तो यहाँ जी हम लोग सामान ले रहे हैं और साथ साथ अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ा रहे हैं। भाई सबसे रिक्वेस्ट करें कि सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जी सामान तो हो गया खरीदा हुआ और यहाँ पर जितने भी भाई साहब है सबको सब्सक्राइब कर दिए, कर दिए सब्सक्राइब सबको। ठीक है तो लाइक भी करिएगा वीडियो को। ठीक है और जो वीडियो अच्छा लगेगा शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं जी यहाँ पर हो गया अपना प्रमोशन और यहाँ पर हो गई खरीदारी और अब सीधा चलते हैं घर। इसको देखो कितना गौर से देख रहा है। तो सारा सामान जी ले ली है और अब क्रियांश भी जा रहा है ऊपर, इसके दवाई खाने का हो गया है समय, साथ में इसको जो है तो स्टीम भी दिया जाएगा। हाँ। तो चलो चले क्रियांश। अब आपको देखा जाके साथ जाएगा। बाबा को छोड़ता नहीं। तो जी चल रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा सामान हम ढोए हुए हैं। क्रियांश और गति चला जाए भैया का। The next day. हम लोग जी उठ गए हैं सुबह सुबह और जिया जो है सुबह सुबह ही इतना मोटा सा जो ट्रॉली है ऊपर से उतरवाई है और साथ में यह भी ट्रॉली है जिसमें से जिया जो है अपना गिनती कर रहे हैं इतना सारी ले जाए, इतना सारी ले जाए, इतना भर सकती है एक ट्रॉली में उतना भर लो। फास्ट हो इधर से लिए उधर खोल। चलो बढ़िया है। ठीक है अब हम भी जाते हैं अपना फ्रेश व्रेश हो जाते हैं, ब्रश व्रश करते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद आएंगे हम तुम्हारी मदद में क्योंकि फिर उस टाइम जो है मेरा कपड़ा समेटने का बारी आ जाएगा, उसे मेरा तो ज्यादा नहीं रहेगा, गिना चुना ही रहेगा। शादी का माहौल हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा वैसे नहीं रहता है ज्यादा मेरा कपड़ा लगा दे क्या चेन के बीच में, तुम्हें कभी नहीं देखती, बहुत बार कर चुकी है तुम्हें। बहुत सारी पैकिंग तो हो गई जी लेकिन पैकिंग अभी खत्म नहीं हुई, अभी भी बहुत सी पैकिंग बची हुई है। तो हम जो है अपना सामान रखे हुए थे, जिया कहे कि आप जो अच्छे से सेट करके नहीं रखे हुए थे, इसलिए जो है जिया खुद से सेट कर रही है और हमारा जो है कुछ सामान ऊपर ही रह गया था, सारा सामान अंदर आ भी नहीं पाया, अब जिया अपना सेट करेगी। जो भी फोल्ड किया था उसको भी इधर से उधर करके कैसे कुछ काछ के रख दिया। कोई बात नहीं हमको जैसे समझ में आया हम कर लिए। देखिए साड़ी कितना लेना चाहिए हमको बताइए। साड़ी जितना मन हो उतना उठा लो क्या दिक्कत है, उतना भार के हमने ले जाए। अरे 2 दिन का फंक्शन है, 2 दिन में देख लो जितना हो। A few moments later.
और उधर क्रियांश जो है अपने दादा के पास है और दादी जो है आ गई है किचन में काम करने के लिए। कुछ देर में जो है हम लोग निकलेंगे भी, तो उसकी भी तैयारी होनी है। उसे पैकिंग जो है सोचे थे कल रात ही कर लेंगे, लेकिन क्रियांश थोड़ा जगा रहा तो पैकिंग हो नहीं पाया। उसका नीचे में देने गिफ्ट में देने वाला जो कपड़ा है नीचे में पैकिंग किया हुआ है, उसको लेने जाने से वही भूल जाओ। ठीक है, ले लेते हैं। हम जो देख रहे हैं अपना कपड़ा सारा इसमें आ चुका है। वाह, ये पत्नी महारानी का कमाल, यह कमाल हमसे हो ही नहीं पाता। धन्यवाद, फिर से फोल्ड करना पड़ा। हमको काम करने बोले क्यों थी, आज तक जब भी हमको काम करने बोलिए जानती है दोबारा काम करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि खुद से ही पहले से कर लिया करो। आप भी सीख लीजिए, कभी कभी जरूरत होता है, जैसे कि मेरा तबियत खराब था, तो बहुत ही दिक्कत हुआ था, ऑपरेशन जब हुआ था। तो काम कैसे चल ही गया था? नमस्ते अंकल, ये सरसों तेल था, इसका इंजन का है। इंजन ही लगा। ठीक है, आए हुए थे जी सरसों का तेल लेने के लिए, तो ले लिया। माँ ने बताया था कि खत्म हो गया सरसों का तेल, तो लेकर के आ गए। और धूप काफी अच्छा लग रहा है जी, अभी ठंड के मौसम में धूप की अहमियत बढ़ जाती है, और जब गर्मी का मौसम होता है सोचते भाई साहब कब धूप हटे, तो बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत आती है। हाँ दीदी, ये लो तेल, कहाँ रख दे, ये रख दे। ठीक,